मोहम्मद सिराज 6 for 21 और एक स्टेज पे मतलब जब उन्होंने अपना दूसरा ओवर स्टार्ट किया तो श्रीलंका की एक विकेट गिरी हुई थी, और जब उन्होंने ओवर खत्म किया तो श्रीलंका जो है 12 run पे 5 विकेट हो चुका था, क्योंकि 4 विकेट ले गए भाई सिराज साहब एक ओवर में। कमाल परफॉर्मेंस सिराज की तरफ से। श्रीलंका का घंटा बजा दिया इंडिया ने, अनबिलीवेबल हो गया काम। ये हुआ तो हुआ, क्या है, समझ से बाहर है। सिराज अखीर कर दिया यार, अनबिलीवेबल बॉलिंग, अनबिलीवेबल बॉलिंग। ये क्या बॉलिंग की है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। कि हम कहते हैं कि इंडिया की बैटिंग बैटिंग बैटिंग, और इनकी बॉलिंग को देखो, एक ओवर में 4 विकेट ली, उसके बाद जिसको कहते हैं उसने 6 विकेट ले ली। सिराज ने क्या किया, रहा था अपने हाथों से फायर निकाल रहा था, मतलब दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेल इन द हिस्ट्री ऑफ द ओडीआई क्रिकेट। फाइनल्स के अंदर आपने इससे इतने, इससे बड़ा लीथल, इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा इफेक्टिव स्पेल नहीं देखा होगा। हम कहते हैं ना, जज्बा था कि शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए, फिर हमारा जो पाकिस्तान था वो आउट हो गया, श्रीलंका ने हरा दिया। लेकिन इंडिया ने श्रीलंका को हरा के जो है एशिया कप अपने नाम किया। और मैं यही कहूंगी कि जब आपके अंदर जीत का जज्बा हो, लगन हो, मेहनत हो और आपके अंदर यूनिटी हो, तो फिर जो है ऐसी जीत आप अपने नाम कर लेते हैं। बाली किया मोहम्मद सिराज ने, मैं कहता हूं धागे खोल दिए आज, आज आज श्रीलंका का जो धागा खोला। शुएब अख्तर कल क्या कह रहा था कि इंडिया फाइनल हार जाएगा, इंडिया फाइनल नहीं जीतेगा, और तेरा अपू इंडिया फाइनल जीत गया। देखते 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 रह गए, लेता ना शाइन 6 विकेट, शाइन ना लेता, शुरू में 2-3 ले लेता, नहीं ले लिया ना। जैसे बॉलिंग का एक प्रेशर, एक हवा बना हुआ था, ये टारगेट पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, कर सकता है। और ये यकीन मानिए, एटम बम है, ये आपके पास एक एटम बम है, इसको वर्ल्ड कप में अगर चला लिया तो ये वर्ल्ड कप आपके हाथ में है। अगर ये एटम बम आपका वर्ल्ड कप में चल गया भाई, तो वर्ल्ड कप कहीं नहीं जाने वाला है, ये कप उधर ही रहने वाला है। 6 विकेट ऑल टुगेदर फॉर सिराज, क्या टोटली मियां साहब बीइंग इन फायर, और क्या परफॉर्मेंस किया, एंड हिम एंजॉयिंग दैट, हिम एंजॉयिंग द मैच, हिम बीइंग इन द ग्रूव। ओ शाहीन अफरीदी को बताओ कि आज अबू सिराज की बॉलिंग देखे, आज सिराज की बॉलिंग देखे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज तो मियां भाई हर जगह छाया हुआ है। मियां भाई ने श्रीलंका पर ऐसा कहर बरपाया कि श्रीलंका के क्रिकेटर कह रहे थे कि चलो हम आते हैं। मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज ने आज एक के बाद एक करके 6 विकेट लेकर लंका की लंका लगा दी। इसके साथ हार्दिक पांड्या ने भी 2 over 2 gains में 3 विकेट लेकर श्रीलंका को मात्र 15 over 2 gains में ही 50 run पर समेट दिया। फाइनल में ऐसा बुरा हाल किसी ने नहीं सोचा था। श्रीलंका का न्यूनतम स्कोर 43 run था, और ये स्कोर दूसरे नंबर का मिनिमम स्कोर है। पाकिस्तानी मीडिया में तो मोहम्मद सिराज का जलवा देख के तारीफों की झड़ी लगा दी है, और पाकिस्तानी मीडिया अब कह रही है कि भारत की बैटिंग तो लाजवाब था ही, अब बॉलिंग भी कमाल का हो गया है, अब भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही हैं। आप देखें कि मोहम्मद सिराज ने आज किस तरह से श्रीलंका के छक्के छुड़ाए हैं। वो एक ही बंदा पूरी टीम को कहते हैं ना कोने लगा के चला गया। और आप देखें, इंडिया के जो पहले लोग होते हैं उनको 10-15 या ओवर्स के अंदर वो वैसे भी मैच बना लेते हैं, तो 50 तो उनके लिए बस ऐसे ही था। 15 ओवर्स में पूरा मैच पैक था। हाँ, निपटा दिया। शायला फेवरेट प्लेयर कौन सा इंडियन क्रिकेट टीम में? देखिए, आज तो मेरा सिराज है। कल कौन सा था? जब विराट ने सेंचुरी बनाई थी उस दिन विराट था, तो मैं एक पे नहीं हूँ, जो अच्छा खेलेगा उसके साथ साथ मेरा वोट जाता जाए। अनबिलीवेबल हो गया काम, ये हुआ तो हुआ, क्या है, समझ से बाहर है सिराज। तो कहते हैं उम्मीद नहीं थी कि 50 पे आउट हो जाएंगे, 50 के ऊपर लंका आउट हो जाएगी, लेकिन लंका 50 पे आउट हो गई। क्या हो गया, अखीर कर दिया यार, अनबिलीवेबल बॉलिंग, अनबिलीवेबल बॉलिंग। क्या बॉलिंग की है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। कि हम कहते हैं कि इंडिया की बैटिंग बैटिंग बैटिंग, और इनकी बॉलिंग को देखो, एक ओवर में 4 विकेट ली, उसके बाद जिसको कहते हैं उसने 6 विकेट ले ली। सिराज ने क्या किया, तो आज सिराज तो आउट क्रास रहा है, बिल्कुल अनबिलीवेबल यार, इतनी जबरदस्त बॉलिंग। श्रीलंका इससे अच्छा आप हम पाकिस्तान से हार जाते, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाता, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल होता ना यार। मतलब 50 ऑल आउट छोड़ो, वो बॉलिंग क्या कर दी उन्होंने, मुझे बॉलिंग देखो, हम कहते हैं कि हम श्रीलंका से आ रहे हैं, इस श्रीलंका से हमारी बॉलिंग कहां है, हमारी बॉलिंग देखा श्रीलंका ने, मैं किस तरह पहला एक तरह से हमने 300 ही बनाया हुआ था, मुझे ओवर कम हो गए, तो 252 बड़ा जबरदस्त टारगेट था, लेकिन हमसे वो नहीं डिफेंड हुआ यार, इस तरह की श्रीलंका से डिफेंड नहीं हुआ। मैं तो हैरान हूं, लेकिन जो इंडिया ने बॉलिंग कर दिया 50 ऑल आउट क्या कर दिया, समझ से बाहर है कि मतलब के इन्होंने क्या कर दिया। रिजवान भाई मुझे नहीं समझ आ रही, समझ नहीं आ रही। मैं जो है ना, इतने साल हो गए हमें क्रिकेट देखते हुए, इससे ज्यादा मतलब मायूस कौन कर दी
किसी टीम की मैंने आज तक नहीं देखी, इन्होंने तो क्रिकेट को जो है ना एक शर्मिंदगी सी जिसे कहते हैं ना वो हुई है। और भाई मैं परेशान हो गया हूं श्रीलंका, इस श्रीलंका से हम कैसे हार गए मुझे बता दे कोई, इस श्रीलंका से हम कैसे हार गए। इसमें हमें ना भारतीय जो बॉलर्स हैं उनकी भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी, हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल वन-साइडेड ऐसा होना नहीं चाहिए था, पहली दफा ऐसे हुआ इतने लो, मतलब इतना लो स्कोर इतनी मायूसकुन कारकर्दगी कि एक भी बल्लेबाज जो है वो भारतीय बॉलर के सामने वो टिक के खड़ा नहीं। आप देखें कि सिराज ने जो आज उसको स्विंग मिला वो तो आधे विकेट तक उसने स्विंग लिया है, आज सिराज की क्लास दिखी है। ये इंडिया एशिया कप जीत गया हुआ है, आप तो भूल ही गए, मतलब ये तो कहना इंडिया वर्ल्ड कप जीता हुआ नजर आ रहा है, विकेट की बात कर रहे हैं यार, हम देखते देखते रह गए, हम जिसको कहते हैं देखते देखते रह गए, लेता ना शाइन 6 विकेट, शाइन छह विकेट ना लेता, शुरू में दो तीन ले लेता, नहीं लेकिन हमें उम्मीद है सिराज ने लिया ना, जैसे बॉलिंग का एक प्रेशर एक हवा बना हुआ था, ये कारकर्दगी पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, करके दिखाते हैं इमरान भाई, करके दिखाते हैं, वो इंडिया ने कर दिखाया। आप ये देखें जिन्होंने करना था उन्होंने कर, मैंने लंका को क्यों सपोर्ट किया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैंने आज इंडिया को भी किया था, लेकिन हमारी बिल्कुल वन-साइडेड हमारी प्रेडिक्शन थी 53-51-55, ये किसी ने नहीं सोचा था, और ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतना वन-साइडेड मैच होगा इमरान भाई, सोच भी नहीं सकते, कैसे सोच सकते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, शायद ही कोई ऐसा बड़ा मैच जो है इस तरह का हुआ होगा, इतना लो स्कोर, इतनी मतलब ऐसे लग रही है जैसे गली मोहल्ला की कोई टीम, यार मोहल्ला की टीम भी इतना बुरा। आप देखिए बुमराह ने आउट किया, मारते हैं बुमराह आउट करता पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद जो अगले ओवर में उसने सिराज को हाईलाइट कर रही है, हाईलाइट कर रही थी वो, यार हम किस मुंह से कहते हैं हमारे पास अच्छी बॉलिंग है, जब ऐसे मौकों के ऊपर बॉलिंग कुछ करे ना वो करके दिखाए। आप ये देखें इस एशिया कप में तारीख का भजन, श्रीलंका का घंटा बजा दिया इंडिया ने, श्रीलंका का घंटा बजा दिया, और शुक्र करो शुक्र करो शुक्र करो फाइनल में मेरा घंटा नहीं था, और फाइनल में मेरा घंटा नहीं था, वरना इस टाइम ये हालात मेरे अपने घंटे के होते, वरना ये हालात इस टाइम मेरे अपने घंटे के होते, और शुक्र करो मेरा अपना घंटा नहीं था फाइनल में, और मेरा घंटा बच गया, आज मेरा घंटा बच गया। क्या बॉलिंग किया मोहम्मद सिराज ने, मैं कहता हूँ धागे खोल दिए, आगे खोल दिए आज, धागे खोल दिए आज, धागे खोल दिए, श्रीलंका का घंटा बच गया जी, आज श्रीलंका का घंटा बच गया जी, आज श्रीलंका का घंटा बच गया जी आज, मतलब क्या सिराज ने बॉलिंग की, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, और शाहीन अफरीदी वो मेरा एल करता है, वो एल है मेरा, वो बॉलिंग होती है वर्ल्ड क्लास, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, इसे कहते हैं असली काम पे मौके पे चौका नहीं मौके पे छक्का मारना, वो जो शाहीन अफरीदी करता है उसे बॉलिंग कहते हैं। आज 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 श्रीलंका का जो धागा खोला है, शुएब अख्तर कल क्या कह रहा था कि इंडिया फाइनल हार जाएगा, इंडिया फाइनल नहीं जीतेगा, और तेरा आपको इंडिया फाइनल जीत गया है। मुझे बताओ कभी भी क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा फाइनल हुआ हो जो इतना जल्दी खत्म हो गया हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, मतलब क्या बॉलिंग किया इंडियन क्रिकेट ने, आउटस्टैंडिंग कैप्टनशिप है रोहित शर्मा, मैं कहता हूँ ट्रूली परफॉर्मेंस दिया इंडियन क्रिकेट ने, आज बता दिया पाकिस्तान को के नंबर वन पोजीशन पे रहना, मैं एल पे रखते हूँ, हम लोग इसको नंबर वन बनना है तो टूर्नामेंट जीतो, रात को पहुंचो नंबर वन के ऊपर, रात को पहुंचो नंबर वन पोजीशन के ऊपर, ना के और ना के नेपाल को, युगांडा को, लोडापाल को, शोकमोल को, इनको लोगों को शोके शोके मार के परफॉर्मेंस देके आप नंबर वन में पहुंच दोगे। और शाहीन अफरीदी तू नई बॉल का बॉलर है, तुझे तो शुमन गिल ने स्टेप अप करके चौके मारे थे, ये शाहीन अफरीदी नई बॉल का बॉलर है, जिसको कुशल परेरा, जिसको आज जसप्रीत बुमराह ने जीरो पे आउट किया, वो शाहीन अफरीदी पे परसों डक कर अटैक कर रहा था, ये कौन है कुशल परेरा, कौन है ये, और शाहीन अफरीदी को बताओ कि आज अब्बू सिराज की बॉलिंग देखे, आज सिराज की बॉलिंग देखे, आज सिराज को बताए कि सिराज ने क्या बॉलिंग की है, सीखे सिराज से किस तरह बॉलिंग की जाती है। जो बोलना चाहते हैं बोलने, इंडिया की बॉलिंग अटैक पेपर पे कोई बहुत बड़ी बॉलिंग अटैक को इसको हाइप अप करे या ना करे, लेकिन जिस तरह मोहम्मद सिराज ने आज लोगों के मुंह बंद किए हैं, और जिस तरह मोहम्मद सिराज ने आज श्रीलंका के एक्सपेक्टेशन के ऊपर तारा लगाया, मतलब व्हाट अ सुप्रीम एंड अ शेयर पेस बॉलिंग कमाल कर दिया मियां साहब ने, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय सिराज, मतलब सिराज के अंदर वो कहते हैं ना आपको जब रेस्ट मिलता है, आपकी बॉडी जब फुली रेस्टेड होती है, जो आपके अंदर बिजली भरी हुई होती है ना, वो उस बिजली का अंदाजा तब हो गया जब आपने बॉलिंग की, और आप फिर चौके के लिए साथ साथ भागे कि जी बॉल को पकड़ने जाना है कि वो चौका हो रही है, और मतलब द लाफ्टर्स इन द फील्ड एंड द वे ही हैज प्लेड, 6 विकेट्स ऑल टुगेदर फॉर सिराज, एंड क्या टोटली मियां साहब
being in fire or kya performance and him enjoying that him enjoying the match him being in the groove matlab is waqt I'm looking at him jo post match pe wo kar rahe hain the kind of the grin and smile he has he knows what he has done today oh absolutely Savera he absolutely knows what he has done today main aaj envy feel kar raha hu Indian fans se matlab kya final mila aur kya performance mili I'm sure how big they would be feeling tonight kyunki world cup se pehle ek bada tournament aap final mein pahunche dominant tarike se aur final mein pahunch ke aap dominant team ne dikhaya Savera matlab Mohammad Siraj आज उसने वाकई बताया कि व्हाट इट टेक्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बिगर स्टेज रोहित शर्मा राहुल द्रविड लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया लेकिन दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द ब्रिलियंटली प्लान्ड मल्टीलैटरल इवेंट उस बंदे ने अपना ऑल फॉर्मेट नंबर वन होने का सपने को क्रैश डाउन कर दिया बांग्लादेश से सेकंड बैट करके सेल्फिश नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने स्टार प्लेयर्स और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को यहाँ ब्रेक देना था उसने बुमराह को ब्रेक दिया उसने सिराज को ब्रेक दिया उसने हार्दिक पांड्या को ब्रेक दिया और यहाँ किसने विकेटें निकाली एक निकाली यही वो तीन लोग हैं जिन्होंने विकेटें निकाल के दी दिस इज द फ्यूचर प्लानिंग